वेलकम बैक टू द चैनल। वापस से हम लोग आ चुके हैं एक नए गेम प्ले के साथ में, और आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं ओसीएनएस होम। लास्ट वाले एपिसोड में आपको याद होगा मैंने जो है बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी थी, और लकड़ियों से ना मैंने बहुत सारे प्लैंक भी बना लिए थे। एंड आज जो है ना हम लोग अपने लिए एक घर बनाने वाले हैं। फिलहाल मेरे को यार एक शिकार करना था, बस ट्राई कर रहा हूँ मैं, अगर कोई मिल जाता है तो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था बट एक भी जानवर को ना मैं मार नहीं सका। वैसे मारना तो नहीं चाहिए बट मैं वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ, वैसे भी ये गेम है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मारो, ओ यार सेट, ये फिर मिस हो गया यार। पता नहीं एक तो ये तीर यार सही से चल नहीं रहा शायद से, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट फिलहाल जो है ना आज मेरे को थोड़ा बहुत वुड इकट्ठा करना है ताकि मैं अपने लिए एक बढ़िया सा घर बना सकूं, और मैं अपना घर जो है ना अपने गैराज के सामने ही बनाने वाला हूं। मतलब अपना तो नहीं है गैराज, पता नहीं किसका है। अब यार मेरे को ये भी पता नहीं है कि मेरा सामान यहां पे होगा या फिर नहीं होगा, जो भी है यार अभी काट लेते हैं, पेड़ काट लेते हैं। थोड़ा फाइबर भी मेरे को चाहिए और थोड़ा बहुत ना मेरे को वुड भी चाहिए। थोड़ा बहुत तो क्या, बहुत ज़्यादा वुड चाहिए। वैसे जगह तो मेरे पास बहुत सारी है, और मेरे पास ना फ्यूल भी मिला हुआ है, क्योंकि मेरा जैसे ही लेवल अप हुआ ना वैसे ही मेरे को फ्यूल मिल गया था। और आज जो है ना मैं जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत तो घर बिल्ड कर ही लूँगा, जो भी होगा देखा जाएगा बाकी। और यहाँ के सारे पेड़ जो है ना मैं अभी काट लेता हूँ। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ, जैसे जो भी ना सूखे लकड़ियाँ होती है ना, जो कि मतलब ज़मीन पर पड़ी रहती है, उनसे इतना ज़्यादा वुड मिलता है ना, क्या बताऊँ। रुको, अभी कहीं अगर मिलेगा ना तो मेरे को, मैं उसको काटूंगा, क्योंकि उससे बहुत जल्दी जल्दी मेरे को ना 6-6 9-9 वुड मिल जाते हैं एक साथ भाई, काफ़ी मस्त है यार वो चीज़। चलो अभी जो है ना इधर को निकलते हैं। एंड मेरे को ना स्टोन कलेक्ट करने की तो ज़रूरत नहीं। हाँ, ये देखो यहाँ पे एक पेड़ पड़ा हुआ है, इसको देखो, अभी इसमें से बहुत ज़्यादा वुड निकलेगा, क्योंकि ये चीज़ ना मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। 3-3 निकल रहा है अभी, पता नहीं यार वो दूसरा वाला था ना ये शायद से अभी कच्चा ही है, तो इस वजह से ना ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है इसमें से। ये देखो यहाँ पे हैं दो लकड़ियाँ हैं, अब इन दोनों को जैसे ही काटूंगा ना इनसे बहुत तगड़ी लकड़ी मिलने वाली। देखो 6-6 वुड मिल रहे हैं, 12, एंड ये हो गया भाई 18, भाई पूरा एकदम ना बढ़िया तरीके से मिल जाता है इसमें से। ये देखो सारे की सारी एकदम जल्दी से कट भी जाता है। बस ये काट रहा हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। बाकी मेरे को पानी भी पीना पड़ेगा, एनर्जी तो मेरे पास अभी बहुत है। मेरे को ना आज यार एक बैकपैक भी बनाना है, मेरा टास्क है आज का, तो मेरे को बनाना तो पड़ेगा। वैसे मेरे पास है, बनाने की जरूरत तो नहीं है बट यार बनाना पड़ेगा। चलो वैसे मेरा सामान यहीं पे है ना गाइस, यहाँ से मेरा सारा सामान गायब हो चुका है। अब तो मैं गया यार, भाई मुझे लगा मेरा सामान यहीं पे होगा बट लिटरली भाई पूरा गायब हो चुका है सामान मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया। और बारिश शुरू हो चुकी है, मतलब मेरे को दोबारा से वही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बड़ा गंदा लगा यार मेरे को, ये क्या चीज़ है। ओ कार यार, मेरा सामान पता नहीं कहाँ गया। ये देखो यार बहुत गंदा स्कैम हो चुका है मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। दो कॉइन मिले इससे हमको। फिलहाल अभी जो है ना मेरे को दोबारा से लगाना पड़ेगा यार फिर से वही काम में, क्योंकि मेरे को ना लास्ट टाइम पे मैंने ये बनाए तो थे बट देख रहे हो भाई अभी मेरे पास ना बहुत, क्या बोलो यार, फालतू में मैंने यार वो बनाए। अभी जो है ना एक ही बार में मेरे को वही काम करना पड़ेगा। बाकी मेरे को ना एक जिस पे ना मैं ये सारा रख सकूं वो चीज़ मेरे को बनानी है, बट कैसे बनाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है। स्टोर टाइप का जिसमें कि हम लोग ये रख सकें, वो चीज़ बनेगी कहाँ से ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी हम लोग कहीं और जगह यार कुछ कर सकते क्या, कुछ भी नहीं। और मेरे पास देख सकते हो बहुत ही कम सामान बचा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना मेरे पास इतना ज़्यादा सामान था बट अभी देख सकते हो यार बहुत कम सामान बचा हुआ है। खैर कोई बात नहीं यार, अब होता है, ऐसा भी होता ही है। वैसे यार अपना जो सामान था वो कहाँ गिरा होगा, या कोई चुरा ले गया, पता नहीं यार क्या हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ इतना सारा वुड इकट्ठा किया था ना मैंने, क्या बताऊँ यार। ये कैंप फायर किसी ने नहीं हटाया, बस यही बचा हुआ है। और इसमें भी हम लोग यार बस चिकन विकन बना सकते हैं, वो भी फ्यूल से। अब फ्यूल तो मेरे पास है नहीं, फिलहाल जो है ना मैं फ्यूल थोड़ा इकट्ठा कर लेता हूँ। ओ इधर पे रख लेते हैं ताकि इसमें थोड़ा बहुत काम आ जाए। बट यार मैं करूँगा क्या, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। रुको एक सेकेंड, मेरे को किसी को मारना पड़ेगा बट यार मारने जैसे लग नहीं रही है। मार लो क्या, वैसे एक आध को मार के देखता हूँ। वैसे रुको यार अभी नहीं मारते हैं, बाद में मारेंगे। फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और अपना देख लेते हैं क्राफ्टिंग कितनी हो रही है। भाई बहुत देर लगा रहा है यार। चलो 30 सेकेंड है, तब तक जो है ना मैं ये कॉइन अगर लगा दूँ, बट कॉइन मेरे पास एक भी नहीं है तो ये चीज़ बहुत ही बेकार हो जाएगी। वैसे यार मेरे को एक स्टोर टाइप का चाहिए जिसमें मैं ये सारा सामान रख सकूँ। यहाँ पे एक हेल्थ वाला है शायद से, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट यार कोई अच्छी चीज़ मेरे को मिल नहीं रही है। डब्बा जैसा जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें रख सकूँ, ये क्या चीज़ है। वैसे शायद से ये मैं बना सकता हूँ, इसमें हम लोग बहुत सारा सामान रख सकते हैं।
चलो फाइनली यार, वुड प्लैंक तो मैंने 50 तो बना दिए, बट 50 से कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल ये देख लेते हैं स्टोरेज बॉक्स। हाँ ये देखो, स्टोरेज बॉक्स मेरे को बनाना है। इसके लिए मेरे को यार बहुत ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, बट चलो बना लेते हैं इसको, क्योंकि मेरे को जो है ना बहुत सारा सामान रखना होगा जब भी, तो मैं इसी पे रखूँगा। पता नहीं यार मेरा सामान क्यों गायब हो जाता है यार, हर बार ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट कोई बात नहीं यार, चलता है थोड़ा बहुत। अभी जो है ना हम लोग स्टोर बॉक्स बना देते हैं, उसके बाद हमारे पास ना सामान रखने के लिए जगह हो जाएगी। वैसे अगर दो बना दो तो ठीक रहेगा ना, आप वैसे दो भी बना सकते हैं। चलो 5 सेकंड है, उसके बाद हम लोग ना अपना स्टोर बॉक्स जो है इधर पे रख देंगे। यार जल्दी हो जाए ये, चलो हो चुका है। एंड एक बना यार भाई, कितने में बन रहा है? 50 पे एक बन रहा है क्या भाई? बहुत लकड़ी बहुत खा रहा है यार ये। चलो कोई बात नहीं, अभी स्टोर बॉक्स साइज से हमारे पास बैक पे ही होगा। हाँ ये रहा, चलो इसको जो है ना अभी हम लोग लगा देते हैं। वैसे इसको लगाएंगे कैसे यार, बट ये रहा। ओ भाई इसको रख पा रहा हूँ मैं इधर पे, चलो इधर पे रख लो क्या। देखो अभी के लिए ना, फिलहाल के लिए मैं इसको इधर पे रख देता हूँ, और अपना घर जो है ना हम लोग इधर पे बिल्ड करने वाले हैं। फिलहाल इसमें हम लोग सामान तो रख सकते हैं बहुत सारा। देखो ओपन करते हैं, एंड ये क्या चीज़ है भाई? ओ इसको हम लोग इधर पे ऐसे रख सकते हैं। ओ इसको खोल के हम लोग इधर पे, बस 3-4 ही जगह है यार, इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं आ रहा है। चलो फिर भी रख लेते हैं, 50 प्लैंक इधर, 50 प्लैंक इधर, ये चीज़ सही है। अभी मेरे को थोड़ा बहुत और प्लैंक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए ना मेरे को थोड़ा बहुत और प्लैंक चाहिए। सबसे पहले मैं प्लैंक बना लेता हूँ यहाँ से। देखो इससे भी मतलब बहुत सारे प्लैंक बन जा रहे हैं, बट बना लेता हूँ चलो जितने भी बनेंगे। और उसके बाद ना हम लोगों को सीधे घर बिल्ड करना है। वैसे मेरे को ना एक कुआं भी बनाना चाहिए, बट वो चीज़ हम लोग बाद में बनाएंगे। अभी हमारे पास सारा कुछ सामान मतलब थोड़ा बहुत तो है ही यार, अभी फिर भी और काटना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और लकड़ियाँ मैं काट के ले आता हूँ। तब तक जो है ना लकड़ियाँ काट लेते हैं हम लोग। ये देखो इससे फाइबर भी निकल रहा है, फाइबर की भी हमको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियाँ हमने बांधनी पड़ेंगी। ये देखो हमारा जो स्टोरेज बॉक्स है ना, वो वाला टास्क डन हो चुका है भाई। यहाँ पे मेरे को मिला क्या कुछ? ओके ये मिल चुका है। एंड अभी मेरे को सिर्फ 3 चीज़ें बनानी है। अब इन 3 चीज़ों को बनाने के बाद मेरा D2 का टास्क जो है ना पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। बस मेरे को एक वेल बनाना है, मतलब ये जो कुआं टाइप का होता है ना इसे बनाना है, इसे बाद में बनाऊंगा। फिलहाल जो है ना हम लोग चलते हैं, रुपया चलते कहाँ से हैं यार, अभी मेरे को इसको तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे टूट जाए। ओके टूट गया है। अभी यार ये भी चीज़ मेरे को बिल्ड करनी पड़ेगी, बट अभी ये कर लूँगा। सबसे पहले ना मैं इसको फेंक देता हूँ, रुको यार कहाँ से फेंकेंगे इसको, ये रहा एंड ड्रॉप आइटम। चलो अभी मैंने ये भी फेंक दिया है। अभी मेरी जो है ना प्लैंक व्लैंक बन गई होंगी शायद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तब से, और हम लोग जो है ना इस पे रखेंगे। बट यार मेरे को लगता है ना इस पे रखना भी फालतू है, क्योंकि मेरे को अभी चाहिए होंगी, तो इधर से मेरे को निकालना ही पड़ेगा। देखो यार निकाल देते हैं इसको भी यार, अभी के लिए निकाल देते हैं, बाकी मैं फिर से अभी जैसे ही ना काम वाम पड़ेगा, जैसे ही मतलब ये स्टोरेज बॉक्स की ज़रूरत होगी तो तब मैं इसमें डाल दूंगा। फिलहाल मैंने एक स्टोरेज बॉक्स तो बना ही दिया, इधर पे एक अपना घर बना देते हैं ताकि अच्छा सा घर लगे अपना। देखो यार सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ, ओह बन चुका है। चलो अभी फ़िलहाल ना मैं सोच रहा हूँ बना ही लेते हैं अपना घर। वैसे स्टोरेज बॉक्स मेरे पास है तो अभी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्टोरेज बॉक्स की। सबसे पहले हम लोग जो है ना घर बिल्ड करते हैं, तो सबसे पहले ये वाली दीवार देख लेते हैं, कितना 13 चाहिए ना इसके लिए। अभी मेरे पास 150 प्लैंक है, अब इनमें से ना मैं एक स्टार्ट कर दूँ क्या? इसमें यार 10 सेकंड लग रहे हैं भाई, काफ़ी अच्छा है यार ये, 10 सेकंड में एक मतलब वुडन वॉल बन जा रही है, काफ़ी अच्छा है यार कसम से भाई, मज़ा आ गया वैसे कसम से। चलो बिल्ड करते हैं जल्दी जल्दी, एक आ चुका है मेरे पास। अब ये वाला आया कहाँ लेकिन? ओ ये रहा, अब इसको जो है इधर पे रख लेते हैं। एंड अब देखो भाई इसको हम लोग बिल्ड करने वाले हैं अपना घर इधर से। ये इधर पे रखो क्या? रुको यार इसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं ना, आई थिंक, पता नहीं कैसे घूमेगा बट पता नहीं जो भी है यार। रुको भाई कुछ तो सिस्टम है यार इसमें, भाई यार ये क्या सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने। ओ भाई इतनी भी ऊंची दीवार बना सकते हैं क्या हम लोग? एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, बट कैसे घुमाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धूप पे रखते हैं थोड़ा, भाई थोड़ा सा घूम जाए तो ना ये मज़ा आ जाएगा, बट पता नहीं कैसे घुमाना है इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ इससे हम लोग इतना ऊँचा बना सकते हैं एक दीवार को, बाकी रुको यार इसको एक बार घूमने, भाई घुमाना था यार मेरे को। चलो इधर ही पे लगा देते हैं यार, कहीं तो लग जा भाई। भाई ये पता नहीं क्या है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को।
मैं पता नहीं, मैंने ले तो लिया, ये कैसे बिल्ड करूंगा यही नहीं पता मेरे को। रुको तो एक सेकंड, ये दब नहीं रहा भाई सही से यार। सेट रुको, दूसरा भी हम लोग क्राफ्ट कर लेते हैं एक। तब तक एक लकड़ी, एक वुडन वॉल और बना लेते हैं, एक ये भी बना लेते हैं। और मेरे को ना एक दरवाजे के लिए भी ऐसा टाइप का चाहिए होगा, तो इसे भी मैं बना लेता हूँ। और नीचे रखने के लिए हम लोग ये बना सकते हैं, या छत के लिए होगा, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है। बाकी ये वाला भी हम लोग क्राफ्ट कर लेते हैं एक, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि यार हमको जो है ना कोई दिक्कत ना आए। हम लोग सीधे अपने घर पे जो है ना अपने स्टोरेज बॉक्स को रखेंगे ताकि कोई भी वहाँ पे ना एंटर ना कर सके। चलो ये भी एक वुडन वॉल और बना लेते हैं। वैसे मैंने 3-4 वुडन वॉल बना लिए, एक और बना लेता हूँ ताकि हमारा घर जो है ना छोटा सा भी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अभी बनाना नहीं है बड़ा, अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास फिलहाल। रुको यार एक सेकेंड, इसको मैं रख लेता हूँ इधर पे। भाई बन जा, क्या है यार ये कसम से। मेरे को नीचे कुछ और रखना पड़ेगा क्या, कुछ और चीजें? भाई कट भी नहीं हो रहा है ये, बोलो यार अब क्या बताऊं मैं। एक सेकंड, मेरे को फ्लोर के लिए कुछ चाहिए होगा। फ्लोर हम लोग वैसे इसके लिए तो यार बहुत चीजें चाहिए, बट ये वाला मैं फ्लोर बना सकता हूँ शायद से, ये चीज सही रहेगा ना। चलो वुडन सीलिंग, सीलिंग है यार ये। एक सेकेंड यार, मेरे को एक फ्लोर बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वॉल ये भी यार रूफ है, छत के लिए बनाना है ये भी। बाकी चीज़ें मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। फ्लोर, वुडन फ्लोर हम लोग बना सकते हैं, बट ये शायद से किनारे पे लगाने के लिए होगा। ये भी फाउंडेशन वाला है, ये भी वॉल है। भाई यार कैसी कैसी वॉलें बनानी हो रही हैं। चलो इसको बना लो क्या, एक देख लेते हैं, अगर लगता है तो नीचे, अगर नहीं लगेगा तो क्या ही कर सकते हैं फिर, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। रुको और चीज़ें भी देख लेता हूँ मैं, क्या पता कुछ और चीज़ें मैं बना के ये सारा काम अच्छे से कर सकूं। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार मैं बनाऊं किधर पे अपना घर। भाई आसानी से बन जाना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं बन रहा यार। ये देखो इसको मैं कितना ही घुमाऊं लेकिन ये बनता नहीं है, पता नहीं क्यों। रुको यार इधर साइड को देख लेते एक बार। भाई यार कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। एक तो मैं इसको घुमा नहीं पा रहा हूँ सही से, ये क्या चीज़ है। वैसे फाउंडेशन बनाओ क्या सबसे पहले? रुको सबसे पहले एक बार फाउंडेशन बना के ट्राई करते हैं, क्या पता यार इससे कुछ हो जाए। हम लोग सारा कुछ ट्राई करेंगे जिससे, क्या पता यार कुछ अगर हो जाए तो ना हमसे तो सही रहेगा, मज़ा आ जाएगा। चलो एक तो बना, इसको हम लोग देख लेते हैं बैक पे होगा शायद से, ये है। इसको हम लोग बना के देख लेते हैं एक बार, ये रहा। इसको मैं रखूँ कहाँ पे? ओ अब समझ में आया भाई मेरे को। स्वाइप, ओ ये ऐसे घूम रहा है भाई, थोड़ा बहुत घूम रहा है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, नहीं यार बड़ा तो नहीं यार, छोटा ही बनाना पड़ेगा मेरे को, नीचे ही रखना पड़ेगा। अगर मैं बड़ा, इतना बड़ा बनाता हूँ यार वैसे इतना अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से तो। बाकी मेरे को ना सही जगह ढूंढनी पड़ेगी, एक इधर पे बना लेते हम लोग, थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, इतना सही है, चढ़ने के लिए भी सही रहेगा। इधर भी लगा देते हैं। ओ तो ये लगा यार, इसके ऊपर हम लोग लगा सकते हैं, अब समझ में आया मेरे को। तो ये चीज़ें मेरे को और क्राफ्ट करनी पड़ेंगी। चलो दो तीन, दो कर लेता हूँ या तीन करूँ यार, हाँ तीन और कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ना रहने का जुगाड़ हो जाए थोड़ा अच्छे से। तो सबसे पहले जो है ना घर बिल्ड करने के लिए हमको वुडन फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। भाई ये चीज़ मेरे को पहले पता नहीं थी, बट मुझे लगा डायरेक्ट वॉल लगेगी, शायद से अब इसके ऊपर जो है ना हम लोग वॉल को ईजीली लगा सकते हैं। अभी यार इसको बनने देते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग बिल्ड करते हैं अपना घर। बाकी सुबह अभी होने वाली है क्योंकि आवाज़ देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मस्त मस्त आवाज़ आ रही है। कहाँ गया यार, ये रहा तीन है। अब इन तीनों को जो है ना एक लाइन पे लगाता हूँ मैं, इधर पे लगा देते हैं एक इधर और एक जो है इधर पे लगा देते हैं। वैसे मेरे को दो और ज़रूरत पड़ेगी, दो मैं और बना सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए इतना ही वैसे बहुत है ना शायद से मेरे ख्याल से। ये देखो बन चुका है, अभी जो है इसके ऊपर हम लोग वॉल लगा सकते हैं, बट भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये अब कुछ नहीं होने वाला शायद से इसका। चलो अभी वॉल लगा देते हैं हम लोग, वॉल जो है ना इधर से लगाना स्टार्ट करता हूँ मैं। ओ बीच पे वॉल लगी यार, अब समझ में आ रहा है मेरे को, थोड़ा बहुत इधर पे लग रही है एंड एक अगर इधर पे लग जाती है तो ठीक रहेगा, बाकी पता नहीं कहाँ पे लगेगी यार। इधर पे लग रही है क्या? सेट यार ये क्या हो रहा है, ये कसम से बहुत भद्दा मजाक हो रहा है मेरे साथ। इधर पे शायद से लग जाएगी,
भाई कितना अच्छा दिख रहा था यार ये। वो लग गई? नहीं लगी। लग गई भाई, मुझे लगा नहीं लगेगी, बट भाई ये तो अच्छा था यार। ये देखो बड़ा प्यारा सा बन गया यार। रुको आगे एक ये लगा देते हम लोग, इधर तो शायद से सही रहेगा। ये देखो भाई क्या लग रहा है लिटरली। अभी मेरे को ना बस थोड़ी बहुत और लकड़ियाँ चाहिए होंगी। लकड़ियाँ तो मेरे पास बहुत हैं, प्लैंक की ज़रूरत है मेरे को। एक एक इस साइड भी रूम बना देते हैं हम लोग, इसको भी मैं रख ही लेता हूँ। चलो बना ही लेते हैं हम लोग। ये है अपने पास प्लैंक, इससे हम लोग शायद से क्राफ्ट तो कर सकते हैं ना ये वाला। हाँ एक क्राफ्ट कर सकते हैं हम लोग ईजिली भाई। इसके बाद मैं जो है ना अपना सारा सामान इधर पे रखने वाला हूँ। मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये देखो भाई छोटा सा अपना घर बनने वाला है अभी। एंड यहाँ को मैं वैसे बढ़ाने को बढ़ा सकता हूँ, बट उसके लिए ना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सामान देख रहे हो भाई बहुत ही कम है मेरे पास अभी फ़िलहाल। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ दूसरी जगह, मतलब अपने घर के अंदर भाई डायरेक्ट। कहाँ गया ये रहा। एंड इसको जो है ना इधर पे प्लेस कर देते हैं। ये देखो अब कहीं नहीं जाने वाला है भाई अपना सामान, आई थिंक जो भी है। खैर अभी ये वाले जो फायर प्लेस है ना, मतलब क्या है ये इसका नाम यार, बॉन फायर जो भी है, इसको मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है इसको यार, पता नहीं क्या सिस्टम है। खैर छोड़ो, अभी ये बाद में बना लेंगे हम लोग इसको। तो थोड़ा बहुत और वुड इकट्ठा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को यार क्राफ्ट करनी पड़ेगी अपने लिए एक ये वाली एक्स, बट इसके लिए मेरे को चाहिए स्टोन भाई। स्टोन यार मेरा सारा का सारा स्टोन गायब हो चुका है। अब मैं स्टोन कलेक्ट करूँ भी तो कहाँ से करूँ यार, समझ में नहीं आ रही है। एक सेकेंड मेरे को ना थोड़ा बहुत यार ये बिल्ड मैं कर ही लेता हूँ। वैसे मेरे पास होने को हैं यार बहुत सारे वुड, तो मतलब इनसे कुछ हो नहीं सकता क्या? एक सेकेंड मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर बन पाता है तो थोड़ा बहुत। यहाँ रही प्लैंक, और थोड़ा बहुत मैं बिल्ड कर लेता हूँ। देखो एक सेकेंड, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएंगे यार। 50 में कितना होगा वैसे? चलो 26 प्लैंक बन जा रहा है, बहुत है इतना। मतलब दो दीवारें तो बन ही जाएंगी मेरे ख्याल से, दो क्या तीन दीवारें बन सकती हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग ट्राई करते हैं भाई, जल्दी जल्दी ये बन जाए ना। उसके बाद मेरे को यार बहुत सारी चीज़ें बनानी है। अभी मेरे को ना स्टोन इकट्ठा करना पड़ेंगे, बट मेरे पास एक भी पिकैक्स नहीं है जिससे मैं स्टोन इकट्ठा कर पाऊँ। और तो और एक्स भी नहीं है मेरे पास यार। मेरे को ये वाली एक्स बनानी थी, बट ये पता नहीं कैसे बनेगी यार। मेरे पास इतना ज़्यादा मेटल भी नहीं है। सारा सामान था मेरा जो कि मैं पता नहीं कहाँ खो गया यार। एक तो मेरे पास स्टोरेज बॉक्स नहीं था, उस वजह से ना मेरा सारा सामान खो गया है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जो है ना अभी धीरे धीरे काम करने वाला हूँ उसमें। देखो अभी हमारा छोटा सा घर बनने वाला है थोड़ी ही देर में, बट यार इसमें बिना छत के घर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास ना इतना ज़्यादा वुड नहीं है। और वुड के लिए ना मेरे को चाहिए होगा सबसे पहले एक्स चाहिए और फिर पिकैक्स चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को यार भाई बनाने के लिए ना बहुत सारा चीज़ें, क्या ही बोलूँ यार मैं, बहुत ही कम है मेरे पास सामान। एक तो ये दीवार मैंने फालतू में लगा दी, अब इसको मैं हटा भी नहीं सकता हूँ। एक बार जो लग गया ना इसमें तो वो लग गया समझो। चलो अभी बन गया होगा, प्लैंक उठा लेते हैं इधर से। एंड ये प्लैंक वैसे ये क्या चीज़ है? एक सेकेंड इसको मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता कहाँ पे लगे। ओह तो ये ऐसा डिज़ाइन दे रहा है क्या? वाह ये बढ़िया है यार, वैसे ये भी अच्छा डिज़ाइन है। चलो अभी तो मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, बट फिलहाल के लिए ना मैं जो है थोड़ा बहुत और क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ना ये वाली दीवारें बनानी है। ये देखो ये वाला, तो इसको बनाने के लिए ना मैं वैसे दो दीवारें बना सकता हूँ ना। हाँ वैसे पता नहीं कितने बन रहे हैं इसमें, दो बन रहे शायद से, दो वुडन वॉल से वैसे होगा तो कुछ नहीं, बट क्या ही कर सकते हैं यार, बनाना तो पड़ेगा ही ना मेरे को। हाँ एक साइड का मैं बना लूँगा, एक साइड का तो बन ही जाएगा यार जो भी होगा। फिर हम उसके बाद ना पूरा सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को स्टोन चाहिए होंगे 15। मैं 15 स्टोन जब मेरे को मिलेंगे ना तभी मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ अच्छे से भाई। बहुत बड़ा घर बनाना है, बट अभी तक ना मेरा छोटा ही घर है। बट कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके ना अपने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से बिल्ड करने वाले हैं। चलो ये बन चुकी है वॉल अपनी, यानी इन दोनों वॉलों को ना मैं उस साइड लगाने वाला हूँ। इस साइड देखो यहाँ पे भाई, वैसे बराबर तो है ना ये। वैसे इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, नहीं बढ़ा नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता, बढ़ा भी नहीं सकता, अभी पता नहीं क्या है। चलो एक तो लग गया है, एक इधर पे लगा देते हैं। ये देखो गाइस अभी जो है ना अपना छोटा सा घर कंप्लीट हो चुका है। मतलब इसकी छत नहीं है वो बात अलग है, बट क्या ही कर सकते हैं यार। यहाँ देखो इधर पे छेद हो गया एक, बट क्या ही कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे तो एकदम बढ़िया तरीके से चिपका हुआ है, बट ये पता नहीं ऐसा कैसे हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है ऐसा पहले पहले, बट बाद में नहीं होगा यार ऐसी काम, मतलब ऐसा मैं बाद में मतलब धीरे धीरे करके ही तो सीखते हैं यार वैसे भी। चलो अभी जो है अपना घर जो है ना छोटा सा बिल्ड तो हो चुका है, मतलब इतना सा बना हुआ है
इसमें हम लोग इजीली रह सकते हैं और अपना सामान वामान ना इधर पे रख सकते हैं। देखो इसमें हम लोग अपना सामान रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्यूल रख लेते हैं, और वैसे ये रोप भी मेरे को चाहिए होगा। देखो इसको भी रख लेते हैं यार, अपना धनुष भी रख लेते हैं, और पानी थोड़ा ना हमको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी देख सकते हो बहुत ही कम हो गई है अपनी, और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम है। मेरे को खाने पीने की भी ज़रूरत है, मैं खा ही नहीं रहा हूँ, बिना खाए क्या बोलूँ यार। यार इसको फेंक देते हैं, ये फालतू चीज़ है। एंड मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें और हैं, इनको भी ना मैं अभी जो है रख लेता हूँ। एंड ये वाला वुड वैसे हाँ चलो कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इधर पे रख लेते हैं इसको भी। और मेरे को ना एक स्टोरेज बॉक्स और बनाना पड़ेगा ताकि अपना सामान जो है ना भाई खोए ना यार। पिछली बार का सामान पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कौन उठा ले गया भाई। कहीं मिल गया ना अगर वो बंदा तो मैं उसको मार देने वाला हूँ, या तो ज़ॉम्बी लोग उठा ले गए होंगे या कोई और, पता नहीं कौन उठा ले गया है यार। जो भी है खैर, फिलहाल जो है ना अपना घर जो है आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा मैं इसको बाद में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना इधर ही तक रहने वाला है। एंड अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका जो तीसरा पार्ट है मतलब चौथा जो पार्ट है वो जल्द ही आने वाला है।